फ्रेंड्स, आज हम चटनी वाले फलाहारी आलू बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमने ये 10 से 11 मीडियम और छोटे साइज़ के आलू ले लिए हैं। इसको बॉयल कर लिया है। ये एक बंच हरी धनिया है, 3 टमाटर, 3 हरी मिर्च, आप मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये आधा चम्मच हमने क्यूमिन जीरा ले लिया है, 2 चम्मच देसी गाय का घी है, आधा चम्मच सेंधा नमक है। सेंधा नमक थोड़ा लाइट होता है, इसलिए अगर आप तेज नमक खाते हैं तो थोड़ा और ले सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। पहले हम इन्हें कट करके इसको पीस लेते हैं। ये मिर्ची को कट कर लिया हमने। बस नॉर्मल कट कर लें, इसको पीसना ही है। बस दो दो टुकड़े इसी तरह से हम ये भी कट कर लेंगे। अभी हम कट कर लेते हैं, ज़्यादा बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं, बड़े बड़े पीस में कट कर लेंगे। बस अब इन टमाटर धनिया को दोनों मिक्स करके पीस लेंगे। ये हमने चटनी को पीस ली है, आलू को कट कर लेते हैं, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। थोड़े बड़े बड़े टुकड़े में कट करेंगे। इसी तरह से हम सारे आलू को कट कर लेंगे। ये आलू हमारे कट हो गए हैं। जो ज़्यादा छोटे हैं उनके खाली दो ही टुकड़े करते हैं, जो बड़े हैं उनके 3-4 टुकड़े कर लेंगे। ये आलू कट गए हैं, हम इनको फ्राई करते हैं। गैस पे रख लेते हैं, गैस ऑन करते हैं, कढ़ाई गरम कर लेते हैं, फिर उसमें घी डाल देंगे। कढ़ाई गरम हो गई, हम इसमें घी डाल देते हैं। इसमें ये जीरा भी डाल देंगे पूरा। ये जीरा हमारा हो गया है, लाल हो गया है ये। अभी इसमें चटनी डालते हैं थोड़ा केयरफुली। गैस तेज कर देंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसको थोड़ी देर चलाएंगे, 2 मिनट तक। 2 मिनट हो गए हैं बट अभी इसको हम थोड़ी देर और रखेंगे। इसका कलर चेंज हो गया है लेकिन 2 मिनट तक, 2-3 मिनट तक थोड़ा सा और सूख जाए। इसको 2 मिनट, 2 से 3 मिनट तक और पकने देते हैं, फिर इसमें आलू डालेंगे। मिनट हो गया है, इसमें घी ऊपर आने लगा है। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं, नमक मिला देंगे डाल के। आलू भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसको धीरे धीरे चलाएंगे। इसको चला देते हैं। ये मसाला भुनने में पूरा 4 मिनट लगा था हमें, 4 मिनट में एकदम रेडी हो गया था ये मसाला चटनी वाला। अब हम इसको 2 मिनट, 2 से 3 मिनट तक इसको हम और चलाएंगे। गैस फुली रखेंगे। इसको ऐसा 1 मिनट छोड़ देते हैं, 1 मिनट के बाद फिर इसको भूनेंगे। 1 मिनट हो गए हैं, इनको फिर से चला लेते हैं। नीचे थोड़े से आलू लाल होने लगे हैं, देखिए चिपक रहा है ये।
नीचे जो लगा है इसको भी हम खुरच लेंगे, ये पेस्ट में और ज़्यादा पेस्ट बढ़ा देता है, इसको जलने नहीं देना है। अब हम इसी तरीके से इसको एक मिनट के लिए फिर से ओपन करके छोड़ देंगे, एक मिनट के बाद फिर चलाएंगे। फिर से गैस कम कर देंगे। अब ये आलू हमारा रेडी हो गया है, बस थोड़ा सा चला देंगे फिर उसके। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, घी की, धनिया टमाटर, अलग ही खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। चटपटे चटनी वाले फलाहारी आलू रेडी हैं। हम इनको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं हरी धनिया के साथ। थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे, ये एक धनिया का पत्ता ऐसे लगा देंगे। और ये हमने टमाटर का फ्लावर बना रखा है, इसको ऐसे थोड़ा सा गार्निश के लिए रख देंगे। ये हमारा फलाहारी आलू रेडी है। आप इसको बनाइए, खाइए और अपने कमेंट ज़रूर लिखिए।